ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਬ 6 ਘੰਟੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਜੋ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਹੈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਏਗੀ ਹੁਣ ਇਸ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की अडहॉक कमेटी पर 2 कोचेज का नाम प्रस्तावित किया गया है, उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती है, इसलिए सुझाव दिए गए कि 2 कोचेज को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो, निवर्तमान अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेज के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे, उन सबको अपने जाके बातचीत